हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी होस्ट अनु झा और आपने ट्यून किया है झा अनु कुक हाउस। आज मैं आपको अपना डेली ब्लॉग दिखाने जा रही हूँ। इसमें मैं ब्लॉग वगैरह भी दिखाती हूँ। तो डेली ब्लॉग में आज मैं थोड़ा लेट से शुरू किया है ब्लॉग, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद ही मैं ब्लॉग शुरू कर सकती हूँ कोई भी चीज़ में, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है। थोड़ी लेट से उठती हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी उठने की आदत नहीं है, थोड़ी लेट से उठती हूँ। उठने के बाद मैं फटाफट उनका टिफ़िन बनाया, उनको नाश्ता दिया, उनको टिफ़िन पैक करके उनको ऑफिस भेज देती हूँ। जब वो ऑफिस चले जाते हैं तब मेरा अपना काम शुरू होता है। उसके बाद मैं फिर नहा के पूजा करके, आज मैंने गणपति जी का समेटा है सारा, तो हमारे मंदिर में जो गणपति जी का लगा हुआ था उसको मैंने आज समेट दिया। मैं वो दिखाती हूँ पूजा करके। ये देखिए मेरा पूजा का घर है, ये मैं आपको पूजा का अपना घर दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मेरा पूजा का घर है। तो ये पूजा वाले घर में, ये बाहर से ही मैं दिखा देती हूँ। बाहर से देखिए ये तोरण लगा हुआ है और ये वाली जो माला मैंने बनाई थी ना इसकी, ठीक है, एक मैंने यहाँ लगा ही रहने दिया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसको मैं सोच रही हूँ कि इस जगह पे यहाँ पे लगा दूँगी, कील लगा के यहाँ से ऐसे लगा दूँगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये मेरे पंचमुखी गणपति जी हैं और ये सारे देवी देवता हैं। ये देखिए सबका मैं पूजा करती हूँ। धूप दीप मैंने जला दिया है और अब चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले बाहर भी देखिए, मैंने बाहर ये बना के लगाया हुआ है गणपति जी का ही। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये गणपति जी का मैंने ये बना के लगाया हुआ है। और ये मेरा कॉरिडोर है, कॉरिडोर में मेरा काम हो रहा है अभी, झाड़ू पोछा चल रहा है घर में। और ये देखिए घर में ही हमने मनी प्लांट लगा रखा है, ये देखिए घर में मेरा। और मनी प्लांट का फ्रेंड यदि आपको ग्रोथ करना है ना अच्छे से, तो इसमें आप बीच बीच में कभी कभी ना ये डालते रहे। इसका मैं अलग से बनाऊँगी, मनी प्लांट के लिए मैं अलग से आपको बना के दिखाऊँगी कि क्या डालते हैं क्या करते हैं। आज मैं आपको स्टिचिंग सिलाई से रिलेटेड चीज़ का आपको दिखा रही हूँ, सिलाई से रिलेटेड चीज ही दिखाऊंगी कि वो मैं कैसे रखती हूँ, क्योंकि मेरा मेन जो वीडियो चैनल है ना वो है इसका स्टिचिंग का, ठीक है, क्रिएशन है मेरा वो चैनल, तो मेन चैनल मेरा वो क्रिएशन है, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको दिखाती हूँ। इस कमरे में मैंने देखिए एक ये ड्राई पेंटिंग लगा दिया है, ये लगाया, ये सब मेरा हाथ का बना हुआ है। ये भी देखिए, ये भी मैंने बन लगाया हुआ है लक्ष्मी गणेश वाला, ये भी मेरा हैंडमेड है। और इधर देखिए, इधर भी मैंने ये बनाया था तो ये भी मैं लगा दी हूँ, तो ये भी अच्छा लगता है। अब मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ, सिलाई का चीज़ दिखाती हूँ। ये सबसे पहले, उससे भी पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये जो है ना मैंने फ्लावर जो बनाए थे ना, ये देखिए कितने सुंदर मेरे ये फ्लावर बने हैं। ये देखिए ये अलग अलग फ्लावर भी मैंने सजाने के लिए बनाए थे, तो ये मैं निकाल के इसको रख ली हूँ अभी, कि आगे कभी फिर नवरात्रि वगैरह आएगा। ये दिख नहीं रहा है सही से, ये देखिए सही से दिखा हूँ मैं, ये बना के मैंने रख लिया है, निकाल के रख लिया है इसको, कि अच्छे से रख दूँगी और फिर जब नवरात्रि आएगा ना तो उसको भी मंदिर को डेकोरेट करने में ये काम आएगा, और ज़रूरत होगी तो और बना लूँगी। और ये थाली भी मेरी बहुत सुंदर सी है, तो इस थाली में मैंने इसको रख लिया है और इसको ये लगा के किसी अच्छे पैकेट में रख दूँगी, जिससे कि ये हमारा साफ सुरक्षित रहे, साफ रहे, तो नवरात्रि में फिर इसको सजाने का काम आएगा। और अब मैं आपको अपना सिलाई का रहे ये दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा सिलाई मशीन है, ये मेरी सिलाई मशीन है इस तरह की। ये काफ़ी दिन मैंने बहुत पहले लिया था और इसमें जो है ना ये लगा हुआ था। पहले आपको मैं दिखाऊँ, इसमें जो है ना इस जगह पे ये साइड करके आपको दिखाती हूँ, मेरे को सारे चीज़ इस पर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले ये लगा हुआ था, तो इससे क्या हो जा रहा था ना, मुझे स्पेस नहीं, इतना ही स्पेस मिल रहा था, तो इसमें स्पेस के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी सिलाई के, मतलब खास करके डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उसको इसकी जगह पर ना ये लगवा लिया, ये मंगा के मैंने लगा दिया और बहुत ईजी से ये लग जाता है। तो ये अमेजोन से ही मैंने मंगवाया और इसको मैं उठा के, ये जो है इसको मैं उठा के अभी रखती हूँ। मेरे कंप्यूटर टेबल था, ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा जो है वो कंप्यूटर टेबल है, इसको मैंने जो है वो सिलाई का ही काम के लिए शुरू कर दिया। इधर मैंने एक फ्लावर रख दिया ताकि देखूँ तो ये लगता, और इधर ही मेरा प्लग भी है तो यहाँ से मेरा इजली काम हो जाता है। तो ये देखिए मेरा सिलाई मशीन है, और दूसरा मैं देखिए यहीं पर मैं सारे चीज़ रख लेती हूँ, जैसे कि ये टेप हो गया, ठीक है, टेप हो गया, मशीन का तेल हो गया, ये धागे वगैरह के, मैं इसमें भी देखिए ये डब्बे हैं,
दिख रहा है आपको जी। इस डब्बे में भी देखिए मैंने छोटे 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 डिब्बे करके देखिए, इसमें फैंसी बटन रख लिए हैं, इसमें कुछ मशीन से के जो ये होते हैं ये सब होते हैं, थोड़ा सा ऑल्फिन हो गया, कॉडी हो गए, ये कलर हो गए, कलर चौक हो गए, ये सब चीज़ मैं इस तरह से संभाल के रख लेती हूँ। वे बेल पुरानी मशीन का है तो ये सब रख लेती हूँ। ये धागे वगैरह के लिए हैं छोटे, ये बच्चे थोड़े बहुत बचे हैं, इसे मैं जब ये करती हूँ इसमें देखिए मैंने थोड़े थोड़े करके बटन्स वगैरह इसमें रख लिए हैं। तो इस तरह से करके मेरा ये चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाता है ऐसे करने से, रखने से, और टाइम पे मुझे मिल भी जाता है। मुझे पता है कि इस जगह पे मेरा ये चीज़ है तो मैं मुझे आराम से ये मिल भी जाता है बहुत ईजिली। तो ये देखिए ये मेरा है, आज मैं मुझे इसका पिल्लो कवर बनाना है, इसका मैंने बेडशीट बना लिया है इस कपड़े से, बेडशीट पिल्लो कवर बनाना है इसलिए ये रहा रखा हुआ है। ये पेपर वेटेक रखी हुई हूँ क्योंकि ये जो कभी कभी कपड़े उड़ने लगते हैं तो उसके लिए काम आता है मेरा, कपड़े कटिंग करूँ तो उड़ने लगता है तो इसलिए मैंने इसको ले रखा है। अब मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने ये पोछने के लिए कहीं कुछ गंदा लग जाए कुछ हो जाए तो इसके लिए ये रखी हुई हूँ, ये सेप वाला पट्टी रखी हुई हूँ, ये कपड़े मैंने पोछने वगैरह के लिए रखे हुए हैं। ये देखिए पिन का डब्बा रखी हुई हूँ जिससे कि कपड़े में लगाने के लिए चौक वगैरह का काम होता है, थोड़ा बहुत ये फ्यूज़न पेपर का काम होता है तो ये रखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए लेस वगैरह के लिए मैंने ये डब्बा बना रखा है, इसमें सारी तरह के लेसेस हैं, जितने भी मेरे पास लेसेस होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं वो तो अलग रखती हूँ, इसमें जो यूज़ वाले लेसेस होते हैं ना, यूज हो गया स्टिक हो गया लेस हो गया तो ये मैं इसमें रख देती हूँ, तो ये मेरा इस तरह से चलता हो जाता है। उसके बाद एक मैं देखिए ये बहुत बड़ा सा डब्बा रखी हुई हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक मैं इतना बड़ा सा डब्बा रखी हुई हूँ तो इसमें से इसमें भी सिलाई से रिलेटेड चीज़ ही हैं, जो एक्स्ट्रा लेस हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, कटिंग हो गया, ड्राफ्टिंग हो गई, ये सब चीज़ें जो करती हूँ वो मैं इसमें लगा रख लेती हूँ। तो ये चीज़ है, ये मैंने बनाया था जो फ्लावर के फूल, तो ये मैंने उठा के रख दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाला भी फ्लावर का फूल भी, और तो इसको मैं सर फिर इसको भी मैं उस बड़े वाले बॉक्स में रख लूँगी जिससे कि वो मुझे टाइम पे मिलता रहेगा। यहीं पे मैंने टेप रख रखा है कढ़ाई करने के लिए, कढ़ाई वाला जो ये होता है, ये देखिए सारा कुछ मैं, ये देखिए कढ़ाई करने के लिए मैंने ये रखा, ये फ्रेम रख रखा है दो साइज़ की। तो मतलब लगभग मेरा क्या होता है ना, सिलाई से रिलेटेड चीज़ें में यहीं होता है, यहीं बैठ के मैं कटिंग कर लेती हूँ, नीचे ज़मीन पे बैठ के फर्श पे बैठ के कटिंग कर लेती हूँ और इसे ये कर लेती हूँ, ठीक है। और इस कमरे को मैंने अपना ऑफिस समझिए, बोलते हैं ना हर एक का अपना ऑफिस होना चाहिए तो इसको मैंने अपना ऑफिस बना रखा है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये ऑफिस तैयार है, ठीक है। तो ये देखिए आज मैंने अपने ब्लॉग में आपको ये दिखाया, ये देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने आपको आज अपना ब्लॉग दिखाया। और खाना मैं सुबह ही, नाश्ता मैं सुबह ही बना ली थी, नाश्ते में मैंने आज बैंगन बनाए थे और पराठा बना के टिफिन दे दिया था, और अभी तोरी निकाल के रखी हुई हूँ, नेक्स्ट तोरी बनाऊँगी। और उस दिन मैं दूसरे दिन मैं आपको फिर इस कमरे का, देखिए इस कमरे का मेरा ऑफिस, मैंने बताया ना कि ये मेरा ऑफिस है, तो इसकी सजावट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर मैंने इधर ये लगा के रखा है, एक प्लांट लगा के रखा है, इधर मेरा गिटार है, ठीक है। इधर भी देखिए एक मेरे पास ये छोटी सी मूर्ति थी तो ये मैंने लगा दी है यहाँ, ये देखिए ये रख दी है। और यहाँ पे भी मेरा छोटा सा ये प्लांट है, क्योंकि इस प्लांट को बाहर रखो तो ये जो है ना ये हो जाता है, इसमें से तने बेल निकलने लग जाता है, तो इस वजह से मैंने ये दिखाया। तो कैसा लगा आज का टूर आपको? आज आपको मैंने अपना सिलाई के कमरे का टूर कराया है मोस्टली, कल दूसरे दिन मैं आपको अपने प्लांट्स की टूर कराऊँगी। प्लांट्स मेरे जो है ना वो भी बहुत सारे मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं तरह तरह के, और मुझे प्लांट्सों का बहुत शौक है, और उसके साथ मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, प्लांट्स के साथ मैं बहुत कुछ नया नया ट्राई करती रहती हूँ। तो उसको भी आपको मैं दूसरे दिन दिखाऊँगी, प्लांट्स का टूर कर दिखाऊँगी कि हाँ, ये बाहर का भी मौसम दिखाऊँगी आपको। देखिए बाहर भी मेरा बहुत ही अच्छा ये एरिया है, तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये रहा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और खाने की तैयारी, मैंने बताया कि आज मैंने खाने में, कुकिंग का चैनल है तो खाने की तो थोड़ी सी बतानी ही चाहिए, तो मैं एक बार आपको अभी हल्की सी कुछ किचन दिखा देती हूँ, क्योंकि किचन अभी मेड काम करके जस्ट गई है, मैंने बर्तन वगैरह कुछ नहीं लगाया है, तो वो जस्ट अभी काम कर ख़त्म करके
ये देखिए ये मेरा किचन है, किचन भी काफ़ी खुला सा है, तो इस तरह से मेरा किचन है। ये देखिए बर्तन वगैरह वो धो के अभी करके रख के ही गई है, और मैंने खाना बना के बर्तन बड़े बर्तन को इधर के तरफ रख जाती है, ये देखिए। और मैंने तोरी बनाना है तो तोरी की सब तोरी भी मैंने निकाल के रख लिया है, यहाँ तोरी निकाल के रख दी हूँ कि तोरी काट के उसको बनाना है। तो इस तरह से मेरा ये किचन है, ये देखिए डब्बे डुब्बी व पानी, तो ये मेरा किचन है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, सी यू।